सब लोगों ने अपने लाइफ में कभी ना कभी ये चीज जरूर सुनी है कि दुनिया बहुत बुरी है, द वर्ल्ड इज रियली अ बैड प्लेस। आप अगर शरीफ हो तो आपकी कोई जगह नहीं है दुनिया में, आपको चालाक होना पड़ता है। ये सारे जो गुरु ज्ञान है हमने बहुत सीखा है बचपन से और अभी भी सीख रहे हैं थ्रू आर मोटिवेशनल वीडियोज और बहुत सारा कॉन्टेंट जो ऑनलाइन अवेलेबल है। बट अल्टीमेटली सही में सोचने की जरूरत है कि क्या दुनिया इतनी बुरी है, और बुरी है तो क्यों बुरी है। लेट मी जस्ट टेल यू, सबसे पहली बात, बुरा का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैड। बुरी की कोई डेफिनेशन नहीं है, ये सब्जेक्टिव चीज है। हर इंसान के लिए बुरा अलग है, हर इंसान के लिए अच्छा अलग है। ये बहुत कॉमन चीज है जिसको आप समझ सकते हैं कि कोई चीज अगर मेरे लिए अच्छी है तो वो किसी के लिए बुरी हो सकती है। तो ये बड़े आम सी चीज है समझने के लिए। बट वहीं पे जब हम दुनिया की एज कलेक्टिव पूरी बात करते हैं, दुनिया ही बुरी है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम सब लोगों ने अपने लाइफ में कभी ना कभी किसी अनजान इंसान से या कोई बहुत क्लोज रहा हो हमारे, उनसे धोखा खाया है, या फिर हमें ऐसा लगा कि उन्होंने हमें धोखा दिया है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये दुनिया बहुत ज्यादा बुरी है। दुनिया बुरी इसलिए नहीं है कि लोगों ने आपको धोखा दिया, दुनिया बुरी इसलिए है कि उस धोखे से आपका नुकसान हुआ है। अब समझिए ये धोखा होता क्यों और धोखे को धोखा कहते क्यों। असली में धोखा जैसी कोई चीज रेयरली ही होती है। जब दो लोग, फर्ज करिए राम और श्याम, दोनों साथ मिलकर एक गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि उन्हें एक दुकान खोलनी, एक परचूने की दुकान खोलनी है, उसके लिए राम और श्याम दोनों ने मेहनत की और एक दुकान खोली। अब दुकान खोलने के बाद दोनों लोग बराबर बराबर मुनाफा ले रहे हैं, राम और श्याम। बट वहीं पर राम को अपने जीवन से अब कुछ और चाहिए, वो चाहता है कि मैं एक और स्टोर खोलूं। वहीं पर श्याम है कि वो नहीं चाहता, श्याम चाहता है कि मैं इसी स्टोर को और बड़ा बनाऊं, इसी स्टोर से और मुनाफा कमाऊं। अब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। अब अगर राम स्टेप आउट करे, वो बोले कि मुझे मेरा 50% वापस दो, मैं दूसरी दुकान खोलूंगा, तो अब यहाँ पे श्याम के लिए राम धोखेबाज हो सकता है, बट राम अपने लिए एम्बिशियस। दिस इज, जब कोई इंसान अपने लिए या अपने सोच के हिसाब से कुछ सही करने लगता है जो कि उसके साथ जुड़े हुए लोगों के हिसाब से सही नहीं है या उनके लिए नुकसानदायक है, तो वो उन साथ वाले लोगों के लिए धोखेबाज हो जाता है या फिर बुरा हो जाता है। और ये बहुत कॉमन चीज है, हम सब लोग अपने लाइफ में तरक्की चाहते हैं, हम सब लोग अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं और चाहते हैं एक स्टेप अहेड हम लें। और जब जब आप एक स्टेप अहेड लीजिएगा तो आप किसी न किसी के लिए जरूर बुरे बनेंगे और ऐसे ही साइकिल पूरा घूमेगा और दुनिया बुरी बन जाती है। सो अल्टीमेटली आपको समझ में आया दुनिया बुरी क्यों बन रही है? इसलिए क्योंकि हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एंड दैट इज नॉट अ बैड थिंग, विच कम्स टू द पॉइंट कि दुनिया सच में बुरी नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है दैट वेयर यू हैव टू गो, व्हाट यू हैव टू अचीव, एंड हाउ यू कैन डू इट विदाउट हार्मिंग द अदर पीपल। इफ यू हैव दिस माइंडसेट, इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, यू कैन अचीव सक्सेस विदाउट बीइंग बैड। और अगर आपके जैसे कुछ लोग और बन गए धीरे धीरे जो अपने तरफ से एथिकल रहे हैं, तो दुनिया की बुराई धीरे धीरे कम होगी। बट अल्टीमेटली इट्स अ पैराडॉक्स, ये कभी भी एक स्टेबल जगह पे नहीं रह सकता। सो इफ यू थिंक द वर्ल्ड इज बैड, चेंज योर माइंडसेट, बी एथिकल एंड एंजॉय योर लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। दिस इज शशांक सावंत आस्किंग फॉर योर लीव। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।